हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। और फिजिक्स का सिलेबस जो है ऑल ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर इक्वल ही है, क्योंकि अब ये जो सिलेबस है पूरा यूजीसी के द्वारा दिया गया है और साथ साथ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडी के द्वारा यहाँ पर रिकमेंड किया गया है और ये अप्रूव है गवर्नमेंट ऑफ एमपी के द्वारा। यानी कि एमपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सभी के अंदर ये सिलेबस अब लागू होगा। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं, आगे क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसा आपका एग्जाम आएगा, कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा और आपको किस टाइप से पढ़ना है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, फिजिक्स में कितने पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, देन फाइनल ईयर में। तो सभी के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। तो मैं हूं सोनम जैन और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का सिलेबस। अब ये जो सत्र 2019-20 के लिए फॉलो हुआ है और ये दोनों मीडियम के लिए मैंने आप लोगों को लिए दिया है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे आप हिंदी मीडियम के। सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर, और बीएससी फर्स्ट ईयर में ये मैक्सिमम 40 मार्क्स का होगा। देन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जो सीसीए होगा वो 10 मार्क्स का होगा, तो ओवरऑल ये जो पेपर है आपका कितने मार्क्स का हो गया? 50 मार्क्स का। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स और फिजिक्स का ये पहला पेपर है, यानी कि पेपर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और इस पेपर नंबर फर्स्ट का नाम है मैथमेटिकली फिजिक्स मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कि इसके अंदर आपको, इस पेपर के अंदर इन सभी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जो भी आपको पढ़ना है वो इनसे रिलेटेड ही पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 और टोटल ओवरऑल 5 यूनिट्स होगी। सबसे पहले देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपकी मैथमेटिकली फिजिक्स, यानी कि हम इसको बोलेंगे गणितीय भौतिकी। आपको स्क्रीन पर सिलेबस शो हो रहा है, यानी कि दो सदिश राशियों का योग, अंतर व गुणनफल, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी इसके अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 2 जो है आपकी मैकेनिक्स, यानी कि यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंदर आपको पोजिशंस है, वेलोसिटी है, ठीक है, वैक्टर्स है, इससे रिलेटेड पूरा पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, हिंदी देन इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ टक्कर, प्रकृति, विभिन्न बल, ये हुआ आपका। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। चलिए अब हम यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और इसका नाम है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप वीडियो को डाउनलोड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ओल्ड बुक है या कोई बुक परचेस करी हो या लाइब्रेरी से लेके आए हैं, तो आप सिलेबस मैच कर सकते हैं ताकि आप पढ़ते वक्त सिलेबस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसमें आपको पढ़ना है आपको पढ़ना है प्रत्यास्थ गुणांक, उनके संबंध, मध्य और विभिन्न प्रकार की जो भी इसका कह सकते हैं यहाँ पे मैटर दिया गया है वो आप लोगों को पढ़ना है। और इसका नाम है यूनिट नंबर 3 है आपकी द्रव्य के सामान्य गुण। जितने भी द्रव्य के अंदर गुण होते हैं वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। यूनिट नंबर अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 4, यानी ऑसिलेशन, यानी कि आपकी दोलन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पीरियोडिक एंड हार्मोनिक ऑसिलेशंस, इनके बारे में पढ़ना है आपको, यानी सरल आवृत्ति, हार्मोनिक गति, उसका सचित्र संकल्पना, दृढ़ पिंड की गति, यूलर प्रमेय, अब आ जाती है यूनिट नंबर 5 नंबर 5 काफी बड़ी है, सापेक्ष की यांत्रिकी और भौतिक का प्रारंभिक विकास 18वीं सदी तक। अब आपने सिलेबस तो जान लिया, बट अब आप सोचेंगे कि
कि ये सिलेबस हमने देख लिया, अब हम कौन सी बुकों से पढ़े। तो बहुत सी बार स्टूडेंट जो होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं बुक से पढ़ने में, पर समझ नहीं आता है कि हम कौन सी बुक से पढ़े। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है बुक राइटर एंड बुक नेम्स, और उनके ऑथर्स के नेम शो हो रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं, एचसी वर्मा की बुक है। इसके अलावा प्रॉब्लम इन फिजिक्स, पीके जो श्रीवास्तव है उनकी बुक से पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे 7 बुक्स यहाँ पे सजेस्ट की गई है। ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ही सजेस्टेड जो राइटर्स एंड ऑथर्स हैं जिनकी बुकों से आप पढ़ सकते हो, एग्जाम में काफी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे आप बुक से ही पढ़े, और लास्ट उन बुक से पढ़ करके नोट्स जरूर बनाए और नोट्स से पढ़े, ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर जो एग्जाम में मिले। चलिए, पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर सेकंड, यानी कि उसके अंदर क्या पूछा जाएगा। 90 से 20 का ये सिलेबस है और बीएससी फर्स्ट ईयर। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप देखेंगे कि 40 मार्क्स तो आपका मेन एग्जाम और 10 मार्क्स का आपका सीसी होता है। और फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स का पेपर नंबर सेकंड है, देन जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक स्टैटिक्स फिजिक्स। इसमें भी 5 यूनिट्स है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है आपकी थर्मोडायनामिक्स, यानी जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा गति की। और इसमें रिवर्स एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, हीट एनर्जीज है, डिफरेंस ऑफ इफिशियंसी है आपका। बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, बट फिर भी ये यूनिट काफी अच्छी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत जल्दी से लर्न भी हो जाएगी और बहुत अच्छी यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड है आपकी थर्मोडायनामिक्स सेकंड। अब फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड आपकी यहाँ पर सेकंड है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, एडियोबायोटिक प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ना है। और यानी कि यूनिट नंबर 2 ऊष्मा गति की सेकंड। एंट्रोपी की संकल्पना है, गैसों का द्रवीकरण है, मैक्सवेल और टीएस आरेख वगैरह है, एंट्रोपी का महत्व है, ये पढ़ना है। यूनिट नंबर अब आ जाती है आपकी थर्ड, जो है आपकी स्टैटिकल फिजिक्स फर्स्ट। यानी कि सांख्यिकी भौतिकी, दोनों ईयर वालों के लिए, दोनों मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए सिलेबस शो हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी कोई आपके सवाल हैं, अगर आपको जानना है कि एग्जाम में पेपर कैसे आएंगे, तो आप आई बटन पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने इसकी लिंक दे रखी है, वहां पर भी जाकर आप वीडियोज को देख सकते हैं कि पेपर किस टाइप से आएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिट नंबर 4th, यूनिट नंबर जो 4th है वो आपका स्टैटिकल फिजिक्स सेकंड है, यानी सांख्यिकी भौतिकी द्वितीय। और लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5th, जो है आपकी कॉन्ट्रीब्यूटेशन ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिक विदकों का योगदान, यानी क्या क्या योगदान रहा है जो भौतिक है उसके अंदर, भौतिकवादियों का। अब यहाँ पर कौन सी बुक से पढ़ना ज्यादा बेटर होगा, टेक्स्ट बुक, रेफरेंसेस बुक जिनको बोलेंगे आप, यहाँ पर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की जो बुक से बहुत सारे राइटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके एडिशंस को पढ़ सकते हैं। थर्मल फिजिक्स से हीट एंड थर्मोग्राफी के लिए जैसे ए बी गुप्ता है, एच पी रॉय है, इनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और भी बुक्स यहाँ पर शो हो रही है, देखिए आप स्क्रीन पर, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की है यहाँ पर। और इसके अलावा आप 4th, 5th, 6th, ये यानी कि 6-7 बुक के उनके पब्लिकेशन यहाँ पर आपको सजेस्ट किए गए हैं, आप चाहें वो बुक्स यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में मिल जाएगी, परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलती है, जैसा भी आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इन बुकों को पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो किस टाइप से होगा, और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है तो देन किस टाइप से होता है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 50 मार्क्स और प्राइवेट के लिए भी 50 मार्क्स होते हैं। इन्हें मार्क्स तो दोनों के लिए 50 होते हैं, बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल होगा आपका 25 मार्क्स का, सेशनल होंगे आपके 10 मार्क्स के, देन वाई होगा आपका 50 मार्क्स का। तो ओवरऑल कितने होगा आपके 50 मार्क्स। बट हाँ, अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं तो एक्स स्टूडेंट, या फिर अगर आप एक्स के साथ साथ में क्या है प्राइवेट स्टूडेंट है, तो अब ये प्रैक्टिकल होगा आपके लिए 35 मार्क्स का। सेशनल में आपको कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, वाई वही सेम 50 मार्क्स का होगा, और ओवरऑल आपके भी 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो आपने ये जान लिया, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि आपका सेशनल होगा कि नहीं होगा, एनएसीसी होंगे कि नहीं, हमें क्या करना है क्या करना है, तो आपका डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही 35 मार्क्स का हो गया। राइट गाइज, अब इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो अब आपको लिस्ट शो हो रही है 21 प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल आपको आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग जो वहां पर प्रोफेसर होते हैं वो आप लोगों को करवाते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि सिलेबस जान लीजिए, बाकी तो प्रैक्टिकल तो वो ही आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग ही होगा। और हाँ, प्राइवेट स्टूडेंट जरूर ये प्रैक्टिकल जो लैब में करवाए जाते हैं तो किसी भी स्टूडेंट की हेल्प से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, या वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। आप जो प्रिंसिपल है उनकी परमिशन लेके प्रैक्टिकल भी सीख सकते हैं अगर आप जाना चाहें और आप करना चाहें तो। तो ये तो देख लिया आपने प्रैक्टिकल, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। अब हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो है कि एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, आपका एग्जाम कैसे होगा। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हमने ये सब तो देख लिया बट हमारे जो एग्जाम कैसे होंगे, तो चलिए हम इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके जो पेपर पूछा जाएगा उसके अंदर 3 सेक्शन पूछे जाएंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, देन आपका सी सेक्शन। राइट गाइज, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव होते हैं 5, यानी कि जो 5 ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, और ईच ऑब्जेक्टिव होगा आपका 1 मार्क्स का, तो ओवरऑल कितने होगा आपके 5 मार्क्स। सेक्शन नंबर जो बी है वहां पर आपको पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन जो होगा आपका वो 2 मार्क्स का होगा, देन ओवरऑल कितने होंगे 5 × 2 यानी कि हमारा 10 मार्क्स। राइट गाइस, अब यहाँ पर सेक्शन सी की बात करते हैं, तो सेक्शन सी में मेन क्वेश्चंस होंगे वो भी 5 ही पूछे जाएंगे, देन 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो कितने हो गए आपके 25, देन यहाँ पर ओवरऑल पेपर कितना हो गया आपका 40 मार्क्स का। तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए पेपर कितने का होता है 40 मार्क्स का होता है, 10 नंबर का सीसी तो 50 मार्क्स, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया, तो कितना हो गया आपका। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट की, तो प्राइवेट स्टूडेंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो पहला और दूसरा जो पैटर्न है, और यानी कि सबसे पहले पैटर्न तो सेम रहेगा कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, बट यहाँ पर चेंजेस नंबर में रहता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का होता है, देन रेगुलर में 1 मार्क्स का होता है तो 5 मार्क्स, बट जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 5 ही पूछे जाएंगे, पर वो कितने मार्क्स के होते हैं आपके 3 मार्क्स के, तो 5 × 3 यानी कितना हो गया 50 मार्क्स। और मेन क्वेश्चन क्या होता है 5 पूछे जाते हैं, पर ये 5 × 6 यहाँ पर मार्क्स कितना होता है आपका 6, तो 5 × 6 30 मार्क्स, तो ओवरऑल कितना हो गया आपका 50 मार्क्स। तो ये देख लिया आपने शेड्यूल, एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या हमारा प्रैक्टिकल का सिलेबस है, क्या हमारा मेन सिलेबस है। और हाँ, इसके अलावा आप पेपर जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पर चाहे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।